वादी सही बड़ू तू तो तेरे प्यार की तो दाद देवे पड़ी। अब एक गलती और कर देले बाड़ू तू अंदर आवत वक्त तू दरवाजा बंद ना कहलू। अरे इतना बुलबुल रहे केहू और होकत ता दी आज तू वाकई में साबित कर देलू कि प्यार से बड़ और कोनो रिश्ता ना होखेला। पर का फायदा वो प्यार के इतना बनल बनावल खेल बिगाड़ देलक। अब तक तो सबके पता चल गई होखी कि अभी तक अभी के प्यार करेले या अपन सारा करल करावल पे पानी फेर दे लिया। और पता ना कब समझ आई एके कि ई जमाना इमोशंस के ना सो ऑफ के बिया सो ऑफ के। सब ठीक हो जाए। ओ गुड लॉर्ड आलिया 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 सब कुछ बिल्कुल वैसे हो रहा है जैसे हम सोच ले रहे। राज भैया का आप जाने लेकिन इतना ही कूद कूद के नाच का हैरल बिया अगर आपके पता चल जाए तो हमके भी बता दिया। अरे आलिया जरा अपन दोस्त के बतावा कि तू इतना नाचत काहे बाड़ू वरना पूरा रामायण खत्म भइला के बाद ही पूछिए कि जब राम के सीता के छोड़ के जाए के रहे तो ओकरा ढूंढे काहे गइले। ओ माय क्यूटी पाई तारा के समझ ना आई एके समझ ना आई। डोंट वरी हम समझावत बानी। देखा तनु तू देख लू सबके सामने प्रज्ञा भाई के कैसे बचा ओसे हमनी के ई पता चलेला कि अभी भी ओकरे दिल में भाई खातिर फीलिंग्स बा यानी कि भाई प्रज्ञा के कमजोरी है और हमनी के यही कमजोरी के फायदा उठा के अपन नया गेम प्लान करे के होगी। काहे का कहत बड़ा राज भाई वो सब तो ठीक बा आलिया लेकिन अभी हमनी के गेम के बारे में जाने ला था ना वो हमनी के हिसाब से काम करे ऐसा करवावल तनी मुश्किल होगी। पर राज भैया हम आपके एक और बात बता दे कि ई आपके लुकआउट है हम तो बस ऐसा गेम प्लान करब न कि भाई ना ही ना कर पाइए और भाई खुद ब खुद सामने से हमनी के मदद करिए। चलो ठीक है हम चलो तनी गुड नाइट एंड मिस प्रज्ञा अपन कंप्लेन वापस ले ले ली ए समय आप पर कोनो भी जुर्म नहीं थे का चाहत भी आई काहे बचाईली हमरा के का एकर वजह ई है बा कि जौन हम अभी कहनी या ओकरा सच में पैसा के परवाह बा। अब हमके तहार कमजोरी के पता चल गइल बा और तहार कमजोरी हम बानी या फिर ओकरा हमार फिकर बा ना हमरा के लेके ओकरा मन में कोनो फीलिंग्स ना हो सकेला। हमके उस सब दोबारा ना सोचे के बा गलत ट्रैक पे ना चले के बा हमके ओकर रियल मोटिव पता करे के बा मतलब ओकरा खातिर तनु पकड़ल जाए ते चली बाकी हमके कुछ ना होके के चाहिए। का बा ओकर असली वजह ओकर दिमाग में उतरे के पड़ी परी परी ये अभी तक आयल का है ना हम जौन कुछ भी कहनी ओकरा बाद हमरा सामने आवे से डरात तो नहीं की। दादी हम जानी ले हमसे गलती भइल बिया लेकिन जाने अनजाने ही सही वो ये गलती संभाल ले लेना वो खुद ही सबसे कहले कि हम हम उनकी पैसा ला जेल से छोड़वनी है। सबके सब बेवकूफ बड़े का कि जॉन अभी कहलक उहे मान लेही और ऊ जे देख रहल बानी ओके अनदेखा कर देही ई कह के तू हमके ना अपने आप के बल्हा रहल बाड़ू। ना ना दादी आप चिंता मत करी ना हम ऐसन करब जे ऊ कहले हम ऊ सच कह के दिखाई ऊ जॉन वजह देले बड़े उनकर मदद करेला हम वैसे ही करब हम सबके प्रूफ कर देब कि हम पैसा खातिर उनकी जेल से छुड़वनी फिर सब ठीक हो जाई सब पहले जैसन हो जाई दादी। अच्छा पहले जैसन हो जाई दादी अब तू भी यही के साथ देबू ना बहन बिया तहार यही ला। ना दादी हम यहाँ पे केहू के साइड लेवे ना आयल बानी हम इनफैक्ट ई बतावे आयल बानी कि जीजू सब पैसा काहे ले ले। तरह की पता भैया काहे ले ले रहल हमके पता रहे कि जीजू सारा पैसा काहे ले ले
कुमकुम भाग में एगो फंक्शन होके रहल, एगो फैमिली हमने के हॉल बुक कर ले, लेकिन वर्कर्स ना आए ले हमने के वो फंक्शन कैंसिल करे के पड़ल। वो चाहत रहे कि हमने के उनकर बुकिंग अमाउंट वापस कर देवे, लेकिन हमने पैसा कहाँ से लेती, और वो भी कहले रहे कि अगर हमने उनके पैसा ना लटोनी तो माँ पे फ्रॉड के केस कर दिए। दी हम तरह के फोन करनी लेकिन तार फोन लगते ना रहल, पूरब के फोन करनी लेकिन वो कॉन्फ्रेंस में रहल, और आई हैड नो अदर ऑप्शन, एहला हम जीजू के फोन करनी, और अगर जीजू सारा पैसा लेके ना आते तो बहुत बड़ प्रॉब्लम हो जाती। हमके पहले ही बता रहे हमार पोता केहू के पैसा ऐसे ना ले, देख लू तू उ तहरे फैमिली के बचावेला आपन सर पे चोरी के इल्जाम ले ले बा, वो सब कुछ सहन कर सकेला पर अच्छाई ना छोड़ी। हमार पोता बाऊ बुलबुल बेटा भाई ये प्रॉब्लम तो सुलझ गई, अब एक प्रॉब्लम और सुलझावे के बा, तहरा के फिर से आपन जादू देखावे के बा। जैसे तू एके मॉडर्न बनावले बाड़ू ना, वैसे ही एके थोड़ा पत्थर दिल बना दा, ताकि जज्बाती होके ना गलत फैसला ही ना ले सके। मतलब फिर से वो क्लासेस। हम आपन बात बार बार ना समझाई, हमने समझले के बाद भी तू गलती कईल तो फिर हम आपन लिहाज भुला जाए, और हम आपन लिहाज भुला गई नी ना तो ना तो तरह के दिन के चैन मिली ना तो रात की नींद। दी तोरा सुबह से लेके शाम तक ई सिखावत रहनी, हाँ तरह के समझ में ना आवेला कि हम का बोल रहा नहीं। देख जैसे तू डील करे वाला बाड़ू उतार रिश्तेदार ना दुश्मन बड़े दुश्मन, यू अंडरस्टैंड, तो तू इसे बात ना कर सका, तू इतना सॉफ्ट ना बन सका। दी हम तो पहले ही कह रहनी हमसे ना होगी। कैसे ना होगी तरह से, तो के करे पड़ी, हम कोशिश करनी तो अब ना हो रहा तो का करी। ठीक बा अब तू रोवे शुरू मत करी, कुछ सोचत बानी, अब वॉच मी। दी अब समझ की इतार पति अभिषेक प्रेम मेहरा हा, और हम तनु या फिर कोनो और लेकी मॉडल वगैरह, अब तू देखिए हमें के कैसे डांटी ले, अच्छे से देखिए। यू लायर, यू चीट, यू फ्लर्ट, तू समझे लगा अपने आपके, तू रॉकस्टार बाड़ा तो कुछ भी कर सकेला, तो अच्छा गा ले वेला, लेकिन बाय द वे तेरे पास एगो अच्छा दिल बिल्कुल भी ना बा, इहला तो सब लेकिन के साथे फ्लर्ट करत रहेला, तार असली चेहरा लोगन के सामने आई ना तो केहू तार शक्ल देखल पसंद ना करी। ओ हेलो, ऐसे का देख रहे बाड़ा हमके, हाँ काहे घूर घूर के देख रहा, अगर ऐसी घूरत रहा ना तो काला चश्मा दे के तारा के सड़क पे खड़ा कर दे, फिर भीख मांगत खड़ा रही, और हाँ तारू जे गिटार बा ना वो गिटार के तोड़ के तार हाथ पे रख दे, रॉक स्टार कम भिखारी ज्यादा लगभग, ऐसी का देख रहा बाड़ा, अब दफा हो जाए यहाँ से, दोबारा अपन गंदा घिनौना शक्ल मत दिखाइया, अगर तू हमके शक्ल दिखा ला ना तरह के न पता कि हम का करब, शक्ल के बिगाड़ के रख दे, लोगन के शक्ल दिखावे के लायक न रहबा, अंडरस्टूड, जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। एक्सक्यूज मी, तू अपने पति से ऐसे कैसे बात कर सकेलू, वो चुप बानी तेकर मतलब इना के तो कुछ भी बोलत रहबू, वो चुप एहिला बाड़े की उनमें तमीज बा, काहे की औरतन की इज्जत करे जाने ले, और तोरा में बिल्कुल तमीज ना बता रहा के तमीज सीखी चाहिए, और तू ना सिखबू तो हम सिखा देब, और ऐसा सिखाइब ना कि टीचर के लेक्चर से लेके माँ के दिल संस्कार सब याद आ जाए। अब देख रहा बाड़ू हमके माफी मांगे इनसे, और दिल से मंगी कहे कि हमके झूठ और फेक लोग बिल्कुल पसंद ना बाड़े। सही बात ना दादी, बिल्कुल सही बात, अब लग रहा दिया यकीन बा हमके कि हमार प्रज्ञा जंग खातिर तैयार किया, अब फिर से एके सिखावे पड़ी, तू जॉन एके सिखावले रहलू ना ई सब भूल चुकल बिया, अब तहरा के एगो काम करे के बा, एके दोबारा सिखावे के बा, और ए बार तक छड़ी हाथ में लेके एकरे सर पे खड़ा रहे के बा, ताकि जज्बाती होके कबो कोनो गलती ना करे। दादी आप बिल्कुल टेंशन मत ली, हम एके सिखाए और आप एके डे रही हा, भगवान ना करे हम एकरा के डरावे पड़ल।
अब हम चलत बानी, वरना माँ छड़ी लेके दरवाजे पे खड़ा होगी। ख्याल रखी है, बाय। चलत बानी दादी। भांजी, इतना पैसा देलू कैसे? तोरा के बता बना हम कितना परेशान रहनी पैसा खातिर। हम मना भी कई नहीं बुलबुल के, लेकिन वो हमार बात ही न मानल और अभी के फोन कर देलक। जे कुछ हो रहल बा ओकर घर में ओकरे बाद भी वो हमार मदद कैलक। ये तो सबसे अच्छा बात बा उमे, सामने वाला से रिश्ता मतलब फायदा कुछ भी ना सोचेला, बस सामने वाला के मजबूरी देखेला, जबकि वो खुद कितना परेशानी में बा, फिर भी आपकी परेशानी सुन के दौड़ के चला आईला आपके मदद करे खातिर, जबकि हमनी के ओसे कौनो रिश्ता ना रहल। अब और जैसे खून के रिश्ता बा, ओके ता पता ही ना बा कि हम पे इतना मुसीबत आ गई बा। बुलबुल फोन लगवले रहल, लेकिन फोन लागल ही ना प्रज्ञा के। बुलबुल बिया कहाँ? बुलबुल ओ पूरा फोन भी कहले रहल वो चौराहा पे बा। और रुक, हम ओके फोन लगावत बानी। फोन मत करी, बात कर ली। बुलबुल आ गए बिया। ओहो बुलबुल, तू माँ, हम तो पूरब के साथ कॉफी पी चल गए रहनी। कहा माना कि हमने दोनों के मौका ही न मिलेला अकेले टाइम स्पेंड करे के, एला हम सोचने के कॉफी पी ली। अच्छा अब तू ई झूठ ढूंढ ले बाड़ू आज खातिर। माँ हम झूठ ना बोल रहा बानी, हम आपसे झूठ कैसे बोल सके नी माँ। अच्छा पूरब हमके एक घंटा पहले बतावला कि वो तोरा के चौराहे पर छोड़ ले रहल, चौराहा से घर तक पहुँचे में एक घंटा लगेला। आप माँ नहीं, आप तो देवी माँ बाड़ू, आपके तो सब पता होखेला और आपके तो सब पता होके के भी चाहिए। हम आपके बुलबुल चे बानी, लेकिन माँ प्लीज प्रॉमिस कर आप पूरब के न बताबू कि ओकरे साथे न रहनी, प्लीज प्लीज। लेकिन तू कहाँ गई रहलू? हम तो जीजू, हम अभी के घर गई रहनी। वो हमनी के इतना मदद कर ले तो एगो थैंक यू तो बने ला ना। एला हम चाहत रहनी कि हम उनके मिल के थैंक करें, ऐसे हम उनके घर चल गई नहीं। हम पूरब के बतौनी भी कि हमके जीजू से मिल, हम बतौनी कि हमके अभी से मिले के बा, लेकिन पूरब मना कर देलक। एला जब हमके चौराहा पे छोड़ लग तो हम वहीं से घर चल गई नहीं। आई एम सॉरी माँ, हम आपसे झूठ ना बोलब। तू अच्छा कह लो तो चल गई लो, प्रज्ञा से मिल लो। हाँ मतलब जब हम गई नहीं तो दी रहनी हुआ, लेकिन वो हमके इग्नोर कर देनी, हमके देखनी भी ना। इट्स ओके, हम बस अभी से बात करनी और निकल गई नी। लेकिन आप इतना टेंशन काहे ले रहल बाड़ू? ना हम कहा, और हमार माँ के उजे मिलियन डॉलर स्माइल भिया वो कहाँ भिया? आई एम सॉरी माँ, हम झूठ ना बोला आपसे। कौनो बात ना, कहाँ चल गई फालतू, हम बेड पे ही रख ले रहनी। राइट प्रोफाइल, मग शॉट, चोर का? के चोर? तू चोर और के? तारा रंगे हाथ पकड़ ले बानी हम, और वीडियो भी बने ले बानी हम। अब पुलिस स्टेशन जाए कंप्लेन करब के हमारा रूम से पैसा चोरी हो गई, उनका वीडियो दिखाए, वीडियो उनके हाथ में और तू जेल के अंदर, और हमार कहानी के क्लाइमेक्स ही ना हुई। कहे की जब तू जेल जात हो बुना तो तारा केहू बचावे ना आई, पता बकाए काहे कि तहरा गईला से केहू के कोनो फर्क ना पड़ी। दैट्स व्हाई आपकी जो खत्म हो गई होगी तो हमके बताइए हमार फाइल कहां बिया। तो एकरा जोक समझात बाड़ू, जोक तब बनी जब हम एकरा इंटरनेट पे अपलोड करब। पता भाई वीडियो के सब्जेक्ट का होगी, एकर नाम होगी रॉबरी एट रॉकस्टार हाउस। एकरा लाखों लोग देखिए, लाखों लोग लाइक करिए। देख रहा है ये वीडियो ना इंटरनेट सेंसेशन बन जाई, सारा रिकॉर्ड्स तोड़ दी ई व्यूअरशिप में। आप ऐसे ना कर सकेले? करब। नहीं देखा प्लीज ऐसे मत करी। ऑफ कोर्स करब, कम से कम कोनो प्रोफेशनल से करवाई ये वीडियो, कोनो प्रोफेशनल वीडियो बनाई तो वीडियो अच्छा बनी, ऊपर और ज्यादा लाइक्स बनी है, ज्यादा पॉपुलर होगी और ज्यादा पैसा मिली। तो यहाँ पे भी पैसा कमाया चाहत बाड़ू? और ना तो का, हम आपसे कहले रहनी ना कि जौने काम में हमारा फायदा हो, कि जौने काम में हमके पैसा मिली उहे पे हम ज्यादा ध्यान देब। एंड बाय द वे आप तो हमके ब्रिलियंट आइडिया दे देला, आप हमार वीडियो अपलोड कर दी, हम आपकी वीडियो अपलोड कर देता नी, आपकी वीडियो तो हमरे वाला से भी ज्यादा पॉपुलर होगी। माय गॉड व्हाट विल आई कॉल इट, रॉकस्टार द रॉबर। हाँ
पिता हमरे वाला वीडियो से भी ज्यादा लाइक्स मिली। ऐसा करिए, लाइक्स आप रख ले, यहाँ पैसा हम रख ले। अरे सुनो सुनो, बड़ा जोक पता बा, हम सोचत रहनी कि हम ही वीडियो के डिलीट कर दे। काहे आपके तो हमरे अगेंस्ट कंप्लेन करावे के रहला। अरे केस ना करे के बा तू हमार फैमिली के टॉर्चर कर देले बाड़ू, यही खातिर तोरा के जेल के अंदर डलवावे के बा। गलत केले बाड़ू तू हमरा साथे हमार पैसा हमार प्रॉपर्टी। एक्सक्यूज मी, हमके गलत बोली से पहले खुद के देखला। चोरी ता भी कैले रहने ना? हम चोरी वोरी ना कैले रहनी, हमके अपन पैसा वापस लेवे के रहे, काहे कि हमरा तोरा सामने हाथ ना फैलावे के बा। और वैसे भी तू हमार मजबूरी रहे, तू केहू के मजबूरी के का समझबू, तू तो सिर्फ मजबूरी के फायदा उठावे जाने लू ना। हमके समझे के बिना बा, काहे कि हमके कौन फर्क ना पड़ेला। अगर तोहरा फर्क ना पड़ेला तो तू हमरा के हमरा पुलिस से काहे बचेलू। अब खुद ही नीचे सबके बता ही देला ना कि हम पैसा ला आपके जेल से छोड़वनी। हम आपन चलत फिरत बैंक के साथ कुछ गलत कैसे हो दे सकेनी। तो हम तोहर बैंक बने ना, तो समझ ला कि आज से तुम्हारी बैंक बैंक्रप्ट हो गई बा। बैंक के शटर डाउन। बैंक के शटर डाउन हो कि ना, बैंक के ओनर डिसाइड करेला। इला प्लीज दिमाग पे बेवजह जोर मत डाला, और जल्दी से जाके सूच जाए। का है कि कल सुबह आपके अपन नया गाना के स्क्रैच बनावे के बजे आपके हर गाना से बेटर होके के चाहिए। और हाँ, हमार फाइल घाम। वाह, कुछ मत बोलिया। तोरा से बहस करके हम अपन दिमाग नहीं के खराब करे चाहत। आज हमके गाना बनावे के बा, ओकर खातिर हमके पीस ऑफ माइंड चाहिए, मन के शांति। ई खातिर ई एक्सरसाइज और ई म्यूजिक। अगर तोरा प्रॉब्लम हो रहा होगा तो कान में रुई डाल के फिर से सो जा। बट आई विल एक्सरसाइज बेबी। सुबह सुबह एक्सरसाइज करके आदत भी। आपकी प्रॉब्लम बात, आप बाहर जाके एक्सरसाइज कर सके।
और भी कुछ बा या पिटारा खाली हो गया? नो। और भी बा? अरे कहां का बच्चन वाला एक्सरसाइज करता रहूं। एक्सरसाइज वो होखेला जोन हम करत रहे। वॉच मी जूसी। आउ डोले ना बर्फ के गोला है जो पिघल जाए। वॉच मी डोले ना बर्फ के गोला जो पिघल जाए। पहले तो डंबल हिला ना सकत रहलू, अब उछाल उछाल के कैसे उठाओ तरू? कहे की? कहे की पहले हम कमजोर रहनी, लेकिन अब हम पावरफुल बनी। हमरे पास पैसा के पावर बा, द पावर ऑफ मनी। इल हम कुछ भी कर सके नी। मैजिक हम की सुबह सुबह एक्सरसाइज करे वाला लोग बहुत पसंद पड़े, लेकिन टाइम वेस्ट करे वाला लोग बिल्कुल ना पसंद। बिकॉज टाइम इज मनी, डोंट वेस्ट एट ऑल। जल्दी से एक्सरसाइज खत्म कई की तैयार हो जाए। आपकी प्रॉब्लम ई बाग या बहुत स्लो बड़ा। हमने अंडर काम करेला, यू हैव टू बी फास्ट, कांट वेस्ट टाइम। आज हम क्या आपकी नया गाना के स्क्रैच रेडी चाहिए, ओकरे बाद आपके हमारे साथ प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग भी करे के बा। अगर सब कुछ ठीक रहल तो आज डील फाइनल हो जाए, समझ ला। व्हाट डू यू वेटिंग फॉर? डोंट वेस्ट टाइम, लाइटनिंग स्पीड फास्ट। जोन डंबल हिला ना सकत रहे, वो डंबल के उछाल उछाल के कैसे उठा दिया? यू तू एक नंबर के चालू बाड़ू चालू। बहुत शौक बना था के वेट्स उठावे के। Now you just do it and watch, 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 watch. हमार कॉफी कहाँ बा? Hey, Robin, Robin, हमार कॉफी कहाँ बा? दीदी, आज मंदिर कितना अच्छा लग रहल बा ना? भाई, सुबह से लेके शाम तक एक के तक काम करी ले हमनी मंदिर सजावे के, और मंदिर तो अच्छा लागी ही। हाँ दीदी, हमनी तो सुबह शाम मंदिर सजाइले, भगवान जी के प्रार्थना करीले, पूजा करीले उनकर, लेकिन फिर भी वो हमनी के ना सुनेले। और तो और ई घर में भी हमनी के केहू ना सुनेला। कम से कम भगवान जी आप ही सुनल, ई घर में आयल मुसीबत के निकाला और ई घर में सुख शांति के आवे दी। रॉबिन ल हो गईले इनकर सुबह, चल रॉबिन। दासी कहाँ बा रॉबिन? अरे बेटा, सुबह सुबह भगवान के नाम लेहल कर,
इका रॉबिन रॉबिन के रट लगवले बाड़ू तू। रॉबिन रॉबिन हमार कॉफी कहाँ बा मैन? रॉबिन रॉबिन ओ जी एगो काम कर, सब मिलके ना रॉबिन के नाम के कीर्तन करा कीर्तन। Hey. Yeah. Yeah. Tu log bhi se hatu? रुका। गुड मॉर्निंग। आज के मॉर्निंग के बारे में का गुड बा? हमके तो सब गुडी गुड नजर आ रहल बा। ई चाय कहां से ले ले? ई तो किचन से। ई चाय के बनेलस? हम खुद बनौनी है, मतलब सेल्फ सर्विस। उ कबरा सर की रात दीदी हमके अपन कबरा में बुलौली और कहली कि कल किचन में केहू काम ना करी और जकरा भी कुछ खाए के बा पिए के बा खुद बनावे और खाए। एकर मतलब अगर हमके कॉफी पिए के होके तो हमके खुद बनावे के पड़े। का? ना, ना, अरे अरे सर आप कहाँ बनाए? वो भी ना आपके वो असिस्टेंट, ओकरा बोली वो बना के लाई। देखा हम दीदी खातिर जूस लेके जा रहल बनी, वैसे ही वो आपके खातिर कॉफी बना के लाई। लेकिन सर कॉफी जरा अपन रिस्क पे पिए, वो का बना कल हमरो खातिर कॉफी बनौले रही। कसम खा के बोल रहल बनी सर, एक घूटा पीपौनी। एकर मतलब छनछन तरह खातिर कॉफी, दुश्मन पार्टी खातिर कॉफी बनावत है छनछन? दुश्मनी तो आपके और दीदी के बना, हमरा और पायल के थोड़े ना। दीदी हमर वेट कर रहल बानी, हम जाता नहीं और उनका बहुत कम बा। बाय। कमाल हो गेल भाई घर में। अब आलिया तू प्लीज हमरा खातिर कॉफी लेके आवा। हम काहे आपके लिए कॉफी बनाई? तू जाने लू कॉफी के बिना हमारा दिमाग ना काम करेला, हमके म्यूजिक स्क्रैच बनावे के बा। और जब तक हम कॉफी ना पिए ना हमारा दिमाग में कोनो धुन नहीं। सो आई नीड माय कॉफी। बेटा बना दी ना कॉफी, भाई के खातिर ही बनावे के बा। वो कौन से सबके ला बोल रहल बा? आलिया जब तू जाही रहल बाड़ू तो हमरा ला जूस भी लेके आवा ना। ओ रियली? इट्स ओके, अब हम ही चल जात बानी, कॉफी भी सीख ले। हद बा, नीचे आयल रहनी हम ग्रीन टी पिए, अभी कॉफी बनावे के पढ़ल बा। I'm just fed up of all this। हमके तो डर बा कहीं कहीं एक दिन बाई ना बन जाई घर के। का सोच ले रहनी और का हो गई? पहले पता होत ना कि बहन जी कुछ ऐसन करे वाला बनी तो कौनो बैकअप प्लान बना के रखती हम। लॉयर के हायर करब तो दूर के बात, कौनो राह चलत गुंडा के भी हायर करे लायक पैसा ना बा कि प्रज्ञा के शूट आउट ही करा दी। कुछ ना कर सकेनी, बस सोच ही सकेनी। आप दोनों इसे चुका है बारी के, वो तो कुछ सोचा कौनो तो आइडिया दो, कह कि हमार दिमाग ना कामे करल बंद कर दे भैया। तनु के अगेंस्ट हमनी इतना फुल प्रूफ प्लान बनवले रही, लेकिन ना वो तो उल्टा हमके ही फंसा देलक। और तो और हमके अभी तक इहो ना पता चलल कि वो इंसान के बा जे आलिया के मदद कर रहल बा। हमनी के इहो ना पता भैया कि तनु के होके वाला बच्चा के असली बाप के बा। और अगर तनु आलिया या फिर वही इंसान जी इनकर मदद कर रहा है, लोगो कोनो लॉयर हायर कर ले लेना तो लॉयर सबसे पहले पैसा और प्रॉपर्टी पे स्टे लगा दी, उकरे बाद हम लोग कुछ ना कर पाई। हमरे ही कमजोर याददाश्त वाला दिमाग में कुछ आ ही ना रहल था का कहीं। और तू तरह के बड़ा आइडियाज आवेला, अच्छा ना तो कोनो बुरा आइडिया ही दे दो। ओ फूदी तू भी ना कमाल कर लू। दादी आपने की समझाई, ये आइडियाज बड़े ना, ये आइडियाज दिमाग में ना आवेले, ओकरा ला सोचे पड़ेला। सो प्लीज आप दोनों हमके 2 मिनट के टाइम दी, हम कुछ सोचत बानी। वेटर कॉफी। दी उठ। का है? तू एजे आके बैठ जहाँ हम बैठल बानी, और हमके वहाँ बैठे थे जहाँ तू बैठल भी। अरे का है? का ना शायद हमार दिमाग चले लगे, इस जगह हमरा ला लकी नहीं खे। प्लीज ठीक बा। We'll be right back.
कोनो प्रॉब्लम? दी हमके को बात बतावा, तेरे घर में कौन कौन काका काम करेला, आई मीन काका एक्टिविटीज करेला? उकाना आइडिया ला शायद काम आ जाओ। वो सब जान के तू का करबो, उसे कौन सा आइडिया आवे वाला बता रहा के? तू बता रहा बाड़ू की ना? ठीक बा, सुबह जब हम उठनी तो ई लाउड म्यूजिक बजा के एक्सरसाइज करत रहले हम की इरिटेट करे खातिर। फिर का हम भी लाउड म्यूजिक पे एक्सरसाइज करे लगनी। फिर हाँ वो तू आइडिया दे ले रहा ना, तो नकली डंबल्स उठा के उसे एक्सरसाइज करे लगनी, तो उसे शौक हो गए और इतना बड़ा बड़ा आंख करके देखे लगले हमके। कहले रानी नदी तरह के बुलबुल के आइडियाज कब वो फेल ना हो खेला। चल आगे बताओ। ओकरी बाद हम उनसे कहनी कि ये सब बात छोड़ो और आज के आज हमके उनके गाना के स्क्रैच चाहिए। ओकरी बाद से उस स्क्रैच बनावे में बिजी बड़े। आ गई का आइडिया, आ गई। काम हो जाए ना? Yes sir, I'm expert in all this. देखा कोनो गड़बड़ ना हो के ही चाहिए। जोन डंबल्स रहे वो बिल्कुल पहला वाला जैसन दिखाई चाहिए, और उकर वेट जोन बना उकरा से हैवी हो के ही चाहिए। Don't worry sir, आप जैसन बोले बड़ा बिल्कुल वैसे नहीं होगी। Perfect. अब हम अपन म्यूजिक रूम में जाता नहीं। Make sure nobody disturb me. Okay. डिस्टर्बेंस ना चाहिए हमके कहे बोलो बोला? Thank God तू आ गया। चल अंदर, हम की तरह से बात करेंगे। एक सेकेंड, इके बाड़ी। अबे तू इसे का देखा तेरे? ये हमारा असिस्टेंट है चंचन पायल। चंचन 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 के मतलब पता बा? असिस्टेंट का खातिर सब कुछ ही पूछ बा। तू अंदर चला ना। पायल अपन नजर ना चारों तरफ रखिया, कहे कि दुश्मन के नजर तहरा पे हो सकेली। ऑलराइट? के दुश्मन? एकर मम्मी। पहले हमार बात सुना, वहाँ प्रज्ञा दी असिस्टेंट रख ले बाड़ी, वहाँ तू रख ले बड़ा, हो का रहल भाई? अरे यार वो सब छोड़, ई सुन की हम तो राइजा काहे बोले ले बन। देख हम बहुत टाइम से कोनो अच्छा गाना ना बनेली, अब हम एगो ऐसा गाना बनाइब ना जे तोरा के हमार पुराना दिन के याद दिला दी। याद बा तोरा के हमार पहला एल्बम जे में तू हमार हेल्प कैले रहले? कैसे भूल सकेला हम, रात भर बैठ के कितना गाना बनवेले रहला हमरा से। तब जाके तू एल्बम हिट भेल रहे। एंड आई वांट हिस्ट्री रिपीट टू सेल्फ यार। एकरा खातिर उहे माहौल चाहिए, उहे दोस्त चाहिए, उहे दोस्त के साथ चाहिए, ओकरा बाद तू देखिए हम का गाना बनाई। सब ठीक बना आज? तू इतना मूड में कैसे? कोनो खास बात पका? तू बैठ बैठ एजा बैठ। अरे खास ना खासम खास बा, हम प्रज्ञा के ना सबक सिखावे चाहत बानी। तू का सोच रहा बड़ा, का प्लान कर रहा बड़ा, बताओ हमके। पहले तू प्रॉमिस करके हो कि ना बताइए? तो के हम पर ट्रस्ट नहीं के, तो के हमसे प्रॉमिस चाहिए? बोला तू बताओ हमके का प्लान रहा। हम दो म्यूजिक स्क्रैच बनावे वाले बानी, एक अपना खातिर और एक प्रज्ञा खातिर। काहे कि हम डायरेक्टली अपन म्यूजिक स्क्रैच के बेच ना सके लीना, तब जे बेची प्रज्ञा बेची जो प्रॉफिट होगी ओकर होगी। तू एगो काम कर सके ले, तू मार्केट से कोनो सिंगर के पकड़ जे हमार कंपोज कैल गाना के गाई। अभी तू का सोच रहा बड़ा? हम खुद के अपन एगो म्यूजिक कंपनी खोले चाहत बानी, ओकरा तू संभलबे। तू उस सिंगर के बोल के जोन भी प्रॉफिट होगी ना वो हमनी 70-30 शेयर कैल जाए, 70 हमनी के 30 ओकर। फाइनेंस तू संभलबा और गाना हिट होके की गारंटी हमार। एक बार हमने पैसा कमा लेनी ना तो ओकरा छोड़ब ना। तुहार आइडिया अच्छा बा, आई मीन द प्लान इज ब्रिलियंट, बट यू हैव टू मेक श्योर कि प्रगति के पता ना चले, काहे कि अगर उनके पता चल गेल ना तो वो तोहरा साथ ऊ करे। तू ओकर टेंशन मत ले यार, हमके ओकर कमजोरी के पता चल गेल बा और हम ओके ई कमजोरी के ओकरा अगेंस्ट यूज करब। और एक और बात देख, हम दादी के भी बारे में नहीं बतावत, एक बार सब कुछ हो जाए ना फिर ओकरा बाद हम दादी के सरप्राइज दे। परफेक्ट, हम भी केहू के कुछ ना बताए। ओके परफेक्ट बड़ी, शक में हाथ का मिला होता ना, गले मिला ना। पक्का करी? तू बार बार काहे पूछ रहल दी, हम तेरा कितना बार कह चुकल बानी एगो फोन ना तो करे के बा। अगर तू आवाज बदल के बात ना कर सकता दूसरा एक्सेंट में बात कर लो। लेकिन हम ही काहे करी, आइडियाज पे मेहनत हम कर ली है ना, तो एटलीस्ट फोन पे तो मेहनत कर ले। तू फोन करो। दादी दादी वो हम ना अपन मोबाइल घरे भुलाई नहीं। एक मिनट, कौन से एक्सेंट में बात करी के बा? तू कौनो भी एक्सेंट में बात कर, जोने एक्सेंट में तू कंफर्टेबल हो खाओ। और हाँ एक सेकंड,
अगर तू डायलॉग भूल जाओ ना तो ई रहल स्क्रिप्ट सामने रखल गया पढ़ लिया स्क्रिप्ट। हाँ आलिया ये सब कुछ का कर रहल बाड़ तू? डोंट टेल मी तू सच में शिफ्ट होके की प्लानिंग कर रहल बाड़ू? हम ये ज्वेलरी बेच के लॉयर के हायर करब ताकि वो बहिन जी के परमानेंटली घर से निकाल सकी। अलिया ई ज्वेलरी तरह के अभी गिफ्ट कर लेबा, अगर ई बेच देबू तो अभी के कितना बुरा लगी। और ऐसे बुरा हो भी का सकेला यार, और गिफ्ट तो हमके जिंदगी भर भी मिल सकेले, लेकिन ई जे टॉर्चर है, ई जे कंटीन्यूअस टॉर्चर हमके मिल रहल बा, ई हम जिंदगी भर ना सह सके नी यार। आई वांट टू गेट रिड ऑफ ऑल दिस। हां लेकिन लेकिन तू का कोनो और आईडिया बाका तेरे पास का भाई? ना बा तो चुप रहो और जे हम कर रहल बानी करे दी। फाइन कैसन बात करे लू तू? अननोन नंबर। हेलो जय राम जी। एक्सक्यूज मी के बोल रहल बा? जी हम मीनर कुमारी बोल रहल बानी, केएल सिंह की सेक्रेटरी। और हमार जे बॉस बानी उनकर खूब सारा बिजनेस बा, जैसे कि डायमंड्स, स्टॉक मार्केट, शिपिंग। तो हम का करी? तो कह ना कि अब जे हमरे बॉस अपन बिजनेस एक्सपेंड करे चाहत बाड़े, काहे कि खूब सारा ब्लैक मनी है ना उके फाइट करे के बा। देखिए हम इंटरेस्टेड ना बानी। अरे हम रिसर्च कहीं नहीं, तो हमके पता चलल कि जे म्यूजिक इंडस्ट्री है इमे सबसे टॉप के नाम आप लोग के ही आवेला। अरे हमरे बॉस बोले कि आप लोगन के साथ कुछ बिजनेस सेटअप कर जाओ, आप एक बार अगर हमरा प्रपोजल सुन लेती तो। कहीं ना कि हमके कौनो इंटरेस्ट ना बाई में। सुना तो सही, ओकरे बाद मना कर दिया। हमार कौनो मूड ना बा की बिजनेस प्रपोजल सुने के। आप ओ रॉक स्टार अभी के सिस्टर बानी ना, जेकरे नाम पे खूब सारा हिट एल्बम बा। तो ऐसन करी आप जेबा अपन भाई के कौनो भी गाना के एगो स्क्रैच हमके दे दी। भाई के सीरीज हम आपके काहे दी? इमे खराबी का बा? देखी आपके भाई तो इतना बड़ रॉक स्टार बानी, उनके एक गाना के स्क्रैच आप हमके दे दी तो का फर्क पड़ जाई? वही स्क्रैच से हम अपन एगो एल्बम अपन तरीका से लॉन्च कर दे, और ओकर हम आपके 10 करोड़ रुपया दे। 10 करोड़? देखी अगर आपके इंटरेस्ट विंटरेस्ट बा तो हम आपके 2 लाख रुपया एडवांस भी दे सकेनी। आपके स्क्रैच दे दी आप तो हम पूरा पेमेंट कर दे। कहीं आप मजाक तो ना कर रहल बानी? आई मीन स्क्रैच म्यूजिक के 10 करोड़? देखिए हमके पता चलल हो कि जे स्क्रैच होकेला ये कोनो भी गाना के बेस होकेला ना, तो अगर आप हमके स्क्रैच दे देंगे तो हमके पता चल जाई ना कि रॉकस्टार अब भी अपन गाना कैसे बनावेला, तो उही में से थोड़ा मोड़ा उठा के हम अपन एल्बम भी बना ले। हम आपके सोच के बता बतानी, हम शाम के फोन करब। हां के रहल कोनो बिजनेसमैन के सेक्रेटरी, और उई कहत रहे कि अगर हम ओकरा भाई के स्क्रैच म्यूजिक दें तो ऊ हमनी के 10 करोड़ रुपया दी। ओ माय गॉड, दी आर टू गुड। करवाही ललू ना तू हमसे फोन, हमके समझ में ना रहल कि ई काम खातिर हम क्यों के हार काहे ना कर सकत रहनी। दी तू ही तो कहलो, जितना कम लोग हो के ई प्लान में उतने हमनी ला अच्छा बा, ऐसे हम क्यों के हार ना कर सकेले। ओके सब समझावे के पड़ी, डर लगत रहे कि कहीं कोनो तरह से गलती ना कर देवे। पहले हमके ई बताई आलिया कहले का दिया? दादी सोचे खातिर थोड़ा वक्त मांग रहल बिया। जितना हम आलिया के जाने ले वो मना ना करी, लेकिन 2 लाख खातिर वो कुछ करी। देखिए दी वो हमनी के चाल में जरूर फंसी, लेकिन ई बार हमनी के सब काम बहुत होशियारी से करे के हो कि बुलबुल हमनी प्लान तो तनु के खिलाफ भी बनवले रहनी, लेकिन वो बच गई। वी हैव टू मेक श्योर कि आलिया के बच्चे के कोनो मौका ही ना मिले।